नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 24 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ग्राम पंचायत पाली जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। देश के सभी ग्राम पंचायतों में वेबकास्टिंग की जाएगी व्यवस्था। जिले के सभी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सहित अन्य लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। नेक मांगने ही नहीं, अब नगर निगम के टैक्स वसूली के लिए घर घर जाएंगे किन्नर। नगर निगम व किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बनी सहमति। कहा, टैक्स वसूली से लगायत ऑफिस वर्क तक कई कार्यों की दी जाएगी थर्ड जेंडरों को जिम्मेदारी। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य ने जताया आभार। शाहपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 10 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 4 मामले, सभी मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। अवैध असलहों की सप्लाई करने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक दुकान के आगे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। कुछ दुकानों से वसूला जुर्माना। कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। नवागत एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पदभार किया ग्रहण। कहा, कार्यालय आने वाले हर फरियादी के समस्याओं का निस्तारण करना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। अपराध व अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल। .5 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ राजघाट पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और सीसीटीवी की निगरानी में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य हुआ प्रारंभ। 182,729 कॉपियों का होगा मूल्यांकन। 588 परीक्षक व उप प्रधान परीक्षक किए गए हैं नियुक्त। अब खबरें विस्तार से। देश में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ग्राम पंचायत पाली जनपद सांबा जम्मू कश्मीर के ग्राम सभा के बैठक में भाग लेंगे, जिसको देखते हुए पूरे देश के ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है, जहां पर सभी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अपने ग्राम सभा में बैठकर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखेंगे और प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे, जिसका शुभारंभ 11:30 बजे किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, सर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहे हैं, उसको लेकर कोई क्या तैयारी है? 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है वो लागू हुई थी। इस वर्ष ये विशेष तौर से खास आयोजन में तब्दील हो इसलिए भी हो रहा है कि इस वर्ष आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके तहत जो है कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय जम्मू के सांबा सेक्टर के पाली ग्राम पंचायत में खुद जाकर के ग्राम सभा की खुली बैठक में शिरकत करेंगे और जिसका प्रसारण जो है लाइव टेलीकास्ट सभी ग्राम पंचायत में किया जाएगा। कल गोरखपुर की सभी 1294 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन किया जाएगा। उस खुली बैठक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लाइव टेलीकास्ट को दिखाया जाएगा और साथ ही साथ जो
खुली बैठक में ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो यूएनओ के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा जो सतत विकास गोल जो निर्धारित किए गए हैं उस सतत विकास गोल पर भी चर्चा होगी। इसके अंतर्गत 9 पॉइंट जो है सतत विकास गोल के वो ग्राम पंचायतों के द्वारा लिए जाना है। 9 थीम है, इसमें से किसी 3 थीम पर ग्राम पंचायत को मॉडल के रूप में विकसित किए जाने का संकल्प भी कर लिया जाना है और जिससे कि कल की बैठक में लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा। जो महात्मा गांधी का जो एक्चुअल सपना था कि जो ग्राम स्वराजगार का ग्राम जो स्वराज का जो सही मायने में सफल हो, ग्राम आत्मनिर्भर हो और कोई भी गरीबी उसमें ना हो, कोई भी लोग सभी लोग आत्मनिर्भर बने, इसके लेकर के जो है ग्राम सभा की खुली बैठक कराई जाएगी। जल की कोई समस्या ना हो, जो जल भराव की समस्या होती है, जल की जो संचयन की समस्या है, इस पर भी चर्चा होगी। तो कल की खुली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कल का ये दिवस जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसका जो है आयोजन पूरे गोरखपुर में बहुत ही धूमधाम से काफ़ी अच्छे से कराया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ चल रही है। नगर निगम के न्यू बिल्डिंग के सदन हॉल में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि थर्ड जेंडर को समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक की गई है, जिसमें नगर निगम के काम में हेल्प लिया जाएगा। इसमें करीब 10 थर्ड जेंडर को शामिल किया जा रहा है। टैक्स वसूली से लगायत ऑफिस वर्क तक की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। अब थर्ड जेंडर भी टैक्स वसूली के लिए घर घर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 थर्ड जेंडर की इंटरव्यू कराकर उन्हें ज्वाइन कराया गया, जो 1 तारीख से काम करना प्रारंभ करेंगे। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए ज्वाइन कराया गया है। नगर निगम टीम में भी 10 ट्रांसजेंडर की भर्तियां करने की तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर बधाई के काम के अलावा सरकारी जॉब में आना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो नगर निगम द्वारा इनके जो भी पद और इनके लायक जो काम है दिया जाए और अगर उस कार्य को अच्छी तरीके से निस्तारण कर रहे हैं तो आगे और भी कार्य देने पर विचार किया जाएगा। वहीं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सम्मान मिल चुका है वह तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि किन्नरों के समाधान के लिए एक ऑफिस चाहिए जो वहां बैठकर अपने थर्ड जेंडर का समाधान कर सके। बैठक में ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंसलर शांति भवानी, नंदिनी बाबा, सिमरन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह एवं उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड के सदस्य एवं महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने कहा, चीफ साहब आप भी आइए, सर सर आइए, साहब आ रहे हैं, मुख्य अभियंता महोदय हैं, चीफ जी सर, वाह आ जाओ, हमारे यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि जब अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक यहाँ से आपकी टीम से कुछ लोगों को उसमें सेलेक्ट किया गया पीछे और उनको ग्रहण दिया गया जिससे कि जो वो और अच्छी तरीके से सोसाइटी से जुड़ सकें और उनको समाज की जो मेन स्ट्रीम में करते हुए अपने यहाँ जॉब पे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें संविदा पे होती हैं या फिर एडॉप तरीके से तो अच्छे काम होते हैं और मतलब इस तरह से काम करेंगे ये लोग तो मेरे ख्याल से इनको भी अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा हम और आप अगर मिल के सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें तो एक सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, फिर बाकी लोग भी अदर स्टेट्स जो हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी देखेंगे इसको और इसीलिए हमने कहा कि आपसे बात करूँ और आपसे हेल्प भी मांगूँ और जैसे हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन भी होता है कि हमको टीम लगा दिया जाए, उसमें हमारे लोगों के साथ वो टीम कोऑपरेट करे। फिर जैसे अगर किसी को हैवी व्हीकल की ड्राइविंग आती हो तो उसमें भी हम उनको ले सकते हैं कि भारी वाहन जो चलाना चाहे या कोई ऑफिशियल वर्क मतलब टेबल वर्क करना चाहता हो जैसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो हम उनको भी ले लें। जी जी मतलब जिस फील्ड में जिसको जो जितना एक नॉलेज है
उसको हम लोग उनको मौका दें। उसी के तौर पर जब हम गए थे बोर्ड की मीटिंग में लखनऊ, पंडित बी मिश्रा से जब बात हुई थी तो वो भी आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का रिलेशन में आते हैं तरह की दीदी आपके साथ हो, उन्होंने कहा ठीक है बहुत सा ऐसा युवा भी हमारे में है कि वो बधाई पे आना नहीं चाहते, वो घर पे उनको, क्योंकि हमें एक समय हमारा कटाक्ष नज़र तिरस्कार नज़र से हम टुकराए गए थे, तो हमारा तो लाइफ तो ख़त्म है, हम जो बधाई वाला नियम तो हमारा अपना है, लेकिन जो नया पीढ़ी है जैसे इन जैसे और भी बच्चे सब हैं, न्यू जनरेशन जैसा है, तो उनके लिए तो हमको करना है। तो इस बात पे वेलफेयर बोर्ड के तो मेंबर बन ही चुकी हूँ मैं, और इसी कारण हम लोगों को जो आया आयोग मतलब वहाँ भी सी डी ओ साहब से भी मीटिंग थी, तो क्या कहते हैं वो गर्मा गिरे वाली बात, हमारे वहाँ अपना एक ऑफिस अलग रह जाएगी तो उसमें हमारे किन्नर हमारे पास आएंगे, तो मैं एक बेस्ट आके आपको मैंने दरख्वास्त मैंने आपको दे सकती हूँ, आपको लेटर पहुँचा सकती हूँ, तो लेकिन उस बात में हुई गया तो इसी के बारे में कहना कि हम लोगों को बैठने का कहाँ ऑफिस कल्याण मंत्री से बात हुई है कि कहा कि कराया जाएगा हर जगह हर जिले में हर जगह एक जगह, क्योंकि हम तो लखनऊ जाएंगे मीटिंग कर लेंगे लेकिन जहाँ हम रहेंगे जो किन्नरों का समस्या वहाँ फिर हमको दौड़ना पड़ेगी, तो वो किन्नर भी आपके पास जाएंगे फिर उसके बाद में डीएम के पास जाएंगे, तो ये क्या ना खिचड़ी टाइप हो जाएगी। देखो आप एकदम ठीक आप कर रहे हो, मैंने इसलिए आपको बुलाया जी कि आपके माध्यम से जितनी आपको अपनी टीम के बारे में अपने जी के बारे में मालूम होगा जी, हम आपसे कहेंगे सर हमको 10 आदमी को आप दे दो जी, हमको 10 आदमी को यहाँ रखना है जी, उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जी, अगर आपके आपके एक ही से हमको भी कॉम्पीट करना पड़ेगा जी, हमें कई लोगों से अलग अलग बात यही कहा कि इसको देने के बाद आपसे बात करो जी, मैं एक्चुअली दक्षिण भारत की हूँ, हमें से साउथ इंडियन, तो आज इतने बड़े काम हो रहे गोरखपुर में कि नरे ने भी बहुत कुछ कहा, गंगा दंगा झमेला वगैरह वो भी शांत हो गए, सब कुशल मंगल से मान रहे, जजमान भी खुशी से दे रहे हैं, तो किन्नरों का समस्या ये ट्रैचिंग से ही किन्नरों का समस्या अभी तो दार्जिलिंग की मतलब इधर की पश्चिम बंगाल कोई करेगी, तो ये करे गुरु और हम जॉब कर सकते हैं तो पढ़े लिखे हैं, मतलब क्यों नहीं, अगर करना है तो बोला हम आपको सम्मान कर रहे हैं, बधाई में भी रहेंगे, हम जॉब मिल जाएगी, तो हमने ठीक अच्छी बात है, तो जिस तरीके जिस पोस्ट में आप हो जिसका आप एजुकेशन उसे सब सबको जॉब का हम बात करेंगे। आप लोग क्या सेवा कर रही है, आप लोग लगन मगन से काम करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग माध्यम से ही होगा वेकेशन करने में हमको और ज़्यादा मदद, तो वो है लेकिन देखिए अभी तो ये तो अच्छी बात है ना, देखिए अभी आप करेंगे दो बार आपको वापस करेंगे, अगर हम चाहते हैं इधर मैं कल्याण बोर्ड की सदस्य किरण बाबा आज नगर आयुक्त साहब से आज मुलाकात हुई, छोटी सी बैठक थी हमारी कि नगर निगम में जो थर्ड जेंडर की नौकरी के लिए जो बात हुई, तीन जने जो इंटरव्यू दिए हैं कितनी तारीख से लगना है ये बात हुई है, और हमारा जो भी समस्या है वो भी रखाया गया, क्योंकि उस दिन सी डी ओ साहब से भी मीटिंग थी और आज इनसे भी ज़रूरी था नगर निगम से भी बात करना, तो यहाँ भी मिल चुके हैं हम, यहाँ से हम अपने शिष्य को ले कर आए, बैठ के बैठक हुई हमारी और आने दो चार दिन के बाद फिर बैठक होगी, और मैं अपने अप्लाई की हूँ कि हमें भी एक ऑफिस चाहिए बैठने के लिए, ताकि जो हमारा किन्नर थर्ड जेंडरों का जो समस्या हमारे किन्नरों का समस्या वो कहीं ना जाए, क्योंकि हमें जब समाज में एक सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हमें जब सम्मान मिल चुकी है तो हम भी उस हकदार हैं, तो आज उसी बात करने कि हमें यहाँ भी हमें एक ऑफिस चाहिए ताकि हम बैठ के अपना समाधान कर सकते हैं अपनी थर्ड जेंडरों का, जो कि हमारे गद्दीदार किन्नर हैं दैयार वाले उनका समाधान, उनकी भी बहुत से समाधाने हैं, बुजुर्ग हैं हमारे बधाई वाले उनकी भी समस्या उनकी भी सॉल्व करने के लिए आज यहाँ पर मैं ऑफिस के लिए बात हुई है, आयोग जी से मिले हैं और
और जितने हमारे मीडिया वाले भाई सबको जय श्री महाकाल, आप लोग को तंदुरुस्ती दे। आप लोग तो खुद देश के हैं, इतनी बड़ी कोरोना काल हुई है, हम ना जा पाए ना कोई जा पाए, लेकिन आप लोग जाके उसमें जाकर पूरा घर घर पे इतला किए। मैं आप लोग को भी बहुत दुआ करती हूँ कि आप लोग की बहुत हेल्प रहती है, माता रानी करे जैसे हमारे समाज में सब बने रहे हैं। बहुत मुझे सपोर्ट मिली है और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात भी की है। जो समाज में इस समय चल रही है, अलग नज़र से थे लेकिन अब सब अच्छे नज़र से हैं। अच्छी एक पहचान हमें मिल चुकी है और एक बहुत रिस्पेक्ट मिल चुकी है। आज हमें नगर आयोग में आए हैं, नगर निगम में, बहुत सुंदर लगा। अब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं बहुत प्रसन्नता हुई हूँ कि हमारा उसने बात को लिया, उसके उद्देश्य पे उसने निर्णय लिया कि इसकी जरूरत बा काम होगी, आपकी जो समस्या सब जल्द से जल्द पूरी होगी। जी हाँ, जो जितने अपने शिक्षा ग्रहण किए हैं, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर होता है, जो प्राइवेट जॉब है, जो इंटर है, जो हाई है, बीए, एमए, जो जैसा है उसको वैसा पद को इसे नौकरी मिलेगी और प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है अगर प्राइवेट उस लायक के जो हो, और जो अच्छा खासा है वो सरकारी अप्लाई करें। अब पहले थर्ड जेंडर को ही मिलेगी, ये भी रखा गया। और इतने साल से योगी सरकार ने हम लोगों को देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभारी हूँ मैं कि हम लोगों के बारे में इतना सोचा कि बहुत, वो भी क्योंकि सन्यास वो हैं और हम भी सन्यास है, किन्नर भी सन्यासी कहलाते हैं, क्योंकि साधुओं के मठ में जो नियम होती है हमारे मठ में भी वही नियम होती है। ये भी एक साधुओं के मठ है हमारा, जो किन्नर समाज के जो दैयारे हैं उसमें साधु का ही परंपरा चलती है, गुरु को गुरु, चेला को चेला देखा जाता है, वही परंपरा हम चलते हैं, वैसे हमारी पीढ़ी भी चलती है। जो नया जनरेशन, नया युवा है, जो घर पर रहता, हमारे घर से तो तिरस्कार करा गया, समाज हम एक्सेप्ट नहीं किए, आज समाज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सब अपने अपने घर पर साड़ी चूड़ी पहन के रह रहे हैं, घर से अपना सज गुज के निकल रहे हैं, तो उनके लिए तो सही है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पढ़े हैं लिखे हैं तो हम जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए जॉब के लिए भी हमने अप्लाई किया, मुझे पद मिली है माननीय योगी महाराज जी की तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबके लिए देखूँगी, सबके लिए विकास करूँगी। जी हाँ, सही सत्य है, जैसे किन्नर एक किन्नर का जानता है, किन्नर कुछ भी होता है, कितने भी झमेले होते हैं, आप भी रहते, प्रशासन रहती है, पूरा समाज रहता है, लेकिन किन्नर का समझ से किन्नर ही हल करते हैं। तो उस तरह के सन्यास का सन्यास जानते हैं। और रह गए सवाल, हम लोग सन्यासी कहलाएंगे ना जब हमारा मठ है और हम किन्नर हैं, नर ना नारी, अधनारेश्वर का रूप भी कहा जाता हमें, तीन नाम तो दिया गया, थर्ड जेंडर भी देख ले, कुदरत का उपदेवता भी कहा गया हमें, मंगलामुखी भी कहा गया, और जय महाकाल भी हूँ मैं, हर हर महादेव, हर हर गंगे। देखिए, आज महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी किरण बाबा, जो कि उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की माननीय सदस्य हैं, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर हमारे कार्यालय कक्ष में आई हुई हैं, और उनके साथ काफ़ी देर तक जो हमारे थर्ड जेंडर के साथी हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर, और समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल करते हुए कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जो हमारी इलेक्ट्रिक बस का चार्जिंग स्टेशन है महेसरा में, वहाँ पे हमारे पास 5 पद निकले हुए थे, उस जिसके के लिए इंटरव्यू हुआ, उसमें 3 लोग जो हैं हमारे वो थर्ड जेंडर सेलेक्ट हुए हैं, जो कि 1 तारीख से वहाँ पर काम करना प्रारंभ कर देंगे। उसको उन लोगों के जब वो लोग इंटरव्यू देने आए और वहाँ से जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया या हमारे वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद नगर निगम प्रशासन भी इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए हम इनको भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन, क्योंकि इनमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से थर्ड जेंडर के लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जो कि बधाई के काम के अलावा, बधाई के काम को छोड़कर वो सरकारी जॉब में आना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो आज इस मुद्दे पे काफ़ी देर तक बात हुई, नगर निगम भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें कि इनकी हेल्प से उस काम को करना चाहता है, चाहे वो हैवी व्हीकल्स की ड्राइविंग हो या जो हैवी व्हीकल्स का स्पीड कंट्रोल करना हो, या कुछ लोग इनमें से कंप्यूटर के बहुत अच्छे जानकार हैं उसमें, या जैसे हमारे पास टैक्स वसूली का जो काम है, तो इस प्रकार के जैसे अन्य बड़े बड़े शहरों ने, जैसे अहमदाबाद या अन्य शहरों ने इसके पहले भी अपने कॉरपोरेशन ने अपने कामों में थर्ड जेंडर का बहुत ही पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, उसी दिशा में सोचते हुए नगर निगम भी प्रयास कर रहा है कि अपने गोरखपुर के जो थर्ड जेंडर हैं
महामंडलेश्वर मैडम के सहयोग से हम लोग इनको एक आम स्ट्रीम में, एक मुख्य धारा में लाने के लिए अपने यहाँ जो भी हमारे ऐसे पद हैं या ऐसे जो कार्य हैं वो इन कार्य इनको दिए जाएं, और अगर हम ये पाते हैं कि उस कार्यों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसका निस्तारण कर रहे हैं तो आगे और भी इनको कार्य देने पे विचार किया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ आपने बातें भी इनके बारे में रखी, जैसे सबसे बड़ी समस्या आईडी की है, एक गरिमा गृह की है जिसमें कि आपकी सीडो साहब से बात हुई है, और गरिमा गृह के अलावा जो इनको एक किराए के जो किराया लोग ज़्यादा लेते हैं, कुछ इनकी समस्याएं ऐसी थी कि जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना नगरी या ग्रामीण के तहत इनको भी आवास मिले, इनको भी डूडा के तहत जो है स्मॉल और बड़ा बिजनेस करने के लिए इनको लोन मिले, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है और निश्चित रूप से आगे भी हम लोग बैठ के करते रहेंगे। आपने एक प्रस्ताव और भी दिया है कि समय समय पर जो है इन जो हमारे थर्ड जेंडर के लोग हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस किया जाए जिससे कि जो आज के समय में इस सोसाइटी में क्या चल रहा है उससे उनको भी रूबरू कराया जाए, तो ये बड़ा एक ये भी अच्छा सुझाव है, हम लोग इस पर भी अमल करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हमारे जो आप लोग का एक डेलीगेशन जो आएगा हमारे पास मिलेगा, पहले से ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिख के ले आएंगे और हम लोग सम्मिलित रूप से उस पर बैठेंगे और वर्कआउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि थर्ड जेंडर्स की जो समस्याएँ हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है उन समस्याओं को सुनने के बाद हम लोग मिल बैठ कर उन समस्याओं को दूर करें और अपने इन किन्नर साथियों को आम जो मेन स्ट्रीम में है समाज की उसमें शामिल करें। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में शाहपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों के फरियाद को सुना व संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि शाहपुर थाने पर लगाए गए थाना समाधान दिवस में 10 प्रकरण आए हैं जिसमें मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और 2 मामलों का मौके पर मुआयना करने के लिए स्वयं मौके पर जा रहा हूं और यह प्रक्रिया सभी थानों पर चल रही है। जितने भी प्रकरण हैं या जमीनी विवाद है थाना समाधान दिवस में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करवाया जा रहा है। इस अवसर पर शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, हड़हवा फाटक चौकी प्रभारी राजकुमारी शुक्ला, असुरन चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, उपरक्षक संजीव कुमार, राकेश कुमार, अमजद अली सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, एक बार से 2 भाई हैं, एक बार से 3 भाई हैं। पहनामा वहाँ उनकी जमीन थी नहीं जिनसे ये बनाए, ये दुनिया में भी नहीं है। वो इस बार एक बार उसको भी एक कागज लगा हुआ है, पंचायत होती है पाल का राजा राम सारे लोग हैं उनको जेल भेज रहे थे, मैं कहा सर अपाहिज हो गए हैं इस समय तो जेल भेज रहे, जमीन उनकी जहाँ हो वहाँ दे पाई। ये जमीन इनके पिताजी थी, पिताजी की थी, पिताजी की सर जमीन तो थी लेकिन वो जमीन जहाँ ये बैनामा कराए अंग्रेज से वहाँ उनके पिताजी 1893 तो वो जब बाहर का ही वो नंबर है सर, इनसे पूछ लीजिए सर बता देंगे। जो नंबर की जमीन आप अपनी बता रहे हो वो आपका है जी, तो कब तो आप अपनी बता रहे थे पूरे घाटे में, पूरे घाटे में आप ही की जमीन है उसमें? हाँ हाँ 4 लोगों की जमीन है पूरा घाटे में, उसमें भी इनकी जमीन नहीं है? नहीं उसमें इनकी जमीन है, केवल क्रॉप है, कम है चौधरी चौधरी दिखा दिए क्योंकि अरे हमारी तो पुस्तैनी है तो इनसे बहना मारी है, हमारी पुस्तैनी जो है उसको आप कहाँ उसमें कहे जा रहे हैं? कौन है लेखपाल आपके? तो दाता संख्या है आदमी, कई बार ज़्यादा अच्छा काम करता है। सर हम खुद नहीं पहचानते थे, आज यहाँ देखते हैं, एक बार जाके देख लें। इनका तो विवाद काटने का चौकी का है, इनका कहना है वो इनकी ना।
हाँ, समाधान दिवस पर अभी तक लगभग 10 मुकदमे आए हैं, जिसमें कि 5 का निस्तारण हुआ है। 2 का मौका मुआयना करने के लिए मैं स्वयं मौके पे जा रहा हूँ टीम के साथ में, और ये प्रक्रिया अभी चल रही है सभी थानों पर, और जितने भी ज़मीनी प्रकरण हैं या अन्य विवाद भी हैं उनको थाना समाधान दिवस में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करवाया जा रहा है। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को जिले के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने थानों पर पहुंचकर राजस्व टीम के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया। शनिवार को एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह गोरखनाथ थाने के समाधान दिवस में पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री शहरी आवास सहित कुल 4 मामले आए, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखनाथ थाने पर आए सभी मामलों का मौके पर ही आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस में कुल 4 मामले आए थे, जिनका राजस्व टीम व पुलिस टीम की मदद से निस्तारण करवा दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जमीन अपने सिस्टर को दिया था, अपने टीचर को दिया था। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस हूं, और गोरखनाथ थाने के थाना समाधान दिवस का प्रभारी हूं, प्रभारी रहता भी हूं। आज जितने भी प्रकरण वहां पर आए थे, अच्छी बात ये थी कि लगभग सभी प्रकरणों में दोनों पक्ष आ गए, दोनों पक्षों ने खुले मन से अपनी बात रखी, और हम लोगों ने नियमानुसार उन लोगों से बातें की, उनको बताया कि आप इस तरह से अगर अपना अपनी बात रखते हैं तो आपका समाधान हो सकेगा। और अच्छी बात ये रही कि लगभग सभी प्रकरणों में समाधान हो गया, और शांति व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात रही। सर, किस किस तरह के मामले हैं? मामले मुख्य तौर पे ज़मीन के ही मामले थे। एक मसला ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति का 28 फीट चौड़ाई थी, दूसरे की 20 फीट चौड़ाई थी, कुछ इंच का मामला था, और वो लोग आपस में उलझे हुए थे, परंतु 2-3 चक्र की वार्ता के बाद वो सुलट गया। एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मसला आया हुआ था, वो भी सुलझ गया। 2-3 मामले और थे जिनमें 1-2 में वसीयत का प्रकरण था। सभी मसलों में दोनों पक्षों ने सहयोग किया, हम लोगों की बातें मानी, हमने उनकी बात सुनी और समाधान कराया। कैंट पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस की सप्लाई करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रीजनल स्टेडियम से पहले गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अविनाश शर्मा उर्फ पुत्र सुखमंगल शर्मा निवासी संसार पार थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि थाना कैंट पुलिस व एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम 31 दिसंबर 2021 को बंगाल के असलहा तस्कर गोविंदा बसफोर पुत्र राजेश बसफोर निवासी इक्षापुर मोहल्ला चुनरी पांडा वार्ड नंबर 13 थाना नवापाड़ा जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल, सूरज यादव पुत्र सरोज यादव निवासी इक्षापुर मोहल्ला देवपुरी वार्ड नंबर 1 थाना नवापाड़ा जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल के कब्जे से अवैध असलहा बरामद करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूछताछ में अभियुक्त के सप्लायर के बारे में पूछने पर बताया गया कि गोरखपुर के रहने वाले अविनाश शर्मा और पिंटू पुत्र सुखमंगल शर्मा निवासी संसार पारा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर द्वारा असलहा सप्लाई किया जाता है, जिसे हम लोग गोरखपुर से बंगाल तक पहुंचाते हैं। तभी से थाना कैंच गोरखपुर के पुलिस वांछित अभियुक्त अविनाश शर्मा और पिंटू पुत्र सुखमंगल शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु अभियुक्त अविनाश शर्मा, अभियुक्त गोविंद दासपुरवा, सूरज यादव के जेल जाने की सूचना पाकर अपने आप को पुलिस से छुपाकर इधर उधर रह रहा था।
23 अप्रैल को कैंट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त अविनाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक देसी तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा पूछताछ में अविनाश शर्मा ने बताया कि वह अवैध असलहों की सप्लाई करता है एवं असलहा लेने वाले ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। गोरखपुर बस स्टेशन पर असलहों की सप्लाई करने आया था, लेकिन आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक मृत्युंजय कुमार राय, हेड कांस्टेबल मोहम्मद मोहसिन खान, रंजीत सिंह शामिल रहे। तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 24 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ग्राम पंचायत पाली जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। देश के सभी ग्राम पंचायतों में वेबकास्टिंग की जाएगी व्यवस्था। जिले के सभी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सहित अन्य लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। GPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। नेक मांगने ही नहीं, अब नगर निगम के टैक्स वसूली के लिए घर घर जाएंगे किन्नर। नगर निगम व किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बनी सहमति। कहा, टैक्स वसूली से लगायत ऑफिस वर्क तक कई कार्यों की दी जाएगी थर्ड जेंडरों को जिम्मेदारी। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य ने जताया आभार। शाहपुर थाने पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 10 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 4 मामले, सभी मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। अवैध असलहों की सप्लाई करने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक दुकान के आगे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। कुछ दुकानों से वसूला जुर्माना। कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। नवागत SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पदभार किया ग्रहण। कहा, कार्यालय आने वाले हर फरियादी के समस्याओं का निस्तारण करना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। अपराध व अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल। .5 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ राजघाट पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और CCTV की निगरानी में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य हुआ प्रारंभ। 182,729 कॉपियों का होगा मूल्यांकन। 588 परीक्षक व उप प्रधान परीक्षक किए गए हैं नियुक्त। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। दो की ड्राई क्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार को असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक दुकानों के आगे हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में नगर निगम के प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि 2 अप्रैल से जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। शनिवार को SP ट्रैफिक ने असुरन पर हुए अतिक्रमण को खाली करवाने की जिम्मेदारी दी है, जिसको खाली करवाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, शुक्रवार को ही यहां के दुकानदारों को दुकान के आगे किए गए अतिक्रमण को खाली कराने के लिए कहा गया था, जिसके लिए अलाउंस किया गया था और यह अतिक्रमण हटाओ अभियान मेडिकल तक चल रहा है। इसके साथ नालों पर किए गए अतिक्रमण को ही हटवाया जा रहा है और चालान किया जा रहा है, जिससे दोबारा कोई दुकानदार अपने दुकान के सामने अतिक्रमण ना करे। इस अवसर पर CO गोरखनाथ रत्नेश कुमार सिंह, असुरन चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल CP सिंह ने कहा, रमजान के मुबारक मौके पर और 5,000 रुपए की खरीदारी पर 2,000 रुपए का सेलो डिनर सेट सिर्फ 99 रुपए में। तो इस रमजान पाए खुशियाँ कलेक्शन के साथ और बनाए रंग। फोटो ले लो, फोटो मैनेजर आ रहा है, बता दिया अभी इनको चलान भर दो, समाधान करते रहते। पहले चलान भरो फिर मैनेजर से बात करते हैं। और ये गेट आपका निकलेगा ही ये। अतिक्रमण का है, अतिक्रमण में डालना। ये अतिक्रमण वो डेली हम लोग का ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है। ये 2 तारीख से स्टार्ट किया था, जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार ये अतिक्रमण का अभियान चल रहा है। आज SP ट्रैफिक साहब ने यहाँ का वो रूट रखा था, तो आज पूरी टीम है। लोकल चौकी इंचार्ज हैं गौरव सिंह हमारे साथ, असुरन चौकी इंचार्ज हैं, और कल ये इतना हम लोगों ने कर दी थी। तो हमने कल शाम को अनाउंस किया था, कप्तान साहब ने बोला था, DM साहब ने बोला था कि एक दिन अनाउंसिंग करेंगे आप। SDM साहब भी साथ में मेरे हैं, जो आज के मजिस्ट्रेट साहब हैं। आइए सर, राजेश साहब आइए, ये हमारे साथी गण हैं और ये हमारे साथ चौकी इंचार्ज भी है, हमारी टीम है परिवर्तन दल की। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया असुरन चौकी से मेडिकल तक का अभियान है। तो जो भी नाले पे हम उन्हीं को करवा रहे जो नाले पे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ इसमें पॉलिथीन का इस्तेमाल करते मिले हैं और अतिक्रमण का मामला बहुत आ रहा है। तो जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ मजिस्ट्रेट साथ में है, हम लोग उसका चालान करते जा रहे हैं और इनको आगाह कर रहे हैं और लोकल चौकी साहब को ये दिखाते जा रहे हैं कि दोबारा इस तरह का अतिक्रमण अभियान न चले।
गोरखपुर के नवागत एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार विश्नोई पुलिस अधीक्षक नगर का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि सीएम सिटी होने के नाते वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए अन्य गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। हर फरियादी की समस्याओं का नगर क्षेत्र के थानों पर ही निस्तारण किया जाएगा, जिससे फरियादियों को उच्च अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर ना काटना पड़े और किसी भी घटना पर थाना प्रभारियों को तत्काल मौके पर पहुंचना होगा। उस घटना में क्या सच्चाई है और क्या कार्रवाई किया जा सकता है, तत्काल अधिकारियों को अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय पर आने वाले हर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, जिससे फरियादियों को कहीं और ना भटकना पड़े। बताते चले कि कृष्ण कुमार विश्नोई मेरठ जिले में ट्रेनिंग के दौरान अपराध की दुनिया के कुख्यात बदन सिंह बद्दो, जो 2.5 लाख का इनामी था, उसे मेरठ में धूल चटाने का कार्य किए थे। तब बदन सिंह बद्दो उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड था। उस पर करीब 3 दर्जन मुकदमे थे। यूपी पुलिस ने उस पर 2.5 लाख का इनाम रखा था। पिछले 2 सालों से फरार चल रहे बदन सिंह बद्दो को कृष्ण कुमार विश्नोई ने मेरठ में ट्रेनिंग के दौरान धूल चटाने का कार्य किया था। सुशील जैसे कुख्यात अपराधी को जेल भेजने का कार्य भी किया था। 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसी के तहत मेरठ के किसानों ने भी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद आईपीएस कृष्ण कुमार विश्नोई ने मौके पर जाकर अपने विनम्र स्वभाव से किसानों का दिल जीत लिया, जिसके बाद किसान हाईवे पर लगा जाम खोलने के लिए मजबूर हो गए। आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार विश्नोई किसानों की भीड़ के पास गए और किसानों के पैर छुए, जिसके बाद किसानों ने जाम किए हुए रोड को खोल दिया। कृष्ण कुमार विश्नोई राजस्थान के बाड़मेर जिले के मूल निवासी हैं। उनकी माता श्रीमती गंगा देवी और पिता सुजाना राम विश्नोई हैं। वह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनमें भाई बहनों में 2 बहनें डॉक्टर, 1 बहन नर्सिंग ऑफिसर, 1 बहन पटवारी और 1 भाई सोशल सिक्योरिटी में ऑफिसर है। कृष्ण कुमार विश्नोई ने 8वीं कक्षा में डाइट परीक्षा में अपने पूरे जिले में टॉप किया था। उसी समय उन्होंने ठान लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य आईपीएस बनना है। जोधपुर जिले के केंद्रीय विद्यालय में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में राजनीति विज्ञान में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्हें फ्रांस सरकार की तरफ से 40 लाख का स्कॉलरशिप मिला था। कृष्ण कुमार विश्नोई विश्व के 4थी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की थी। उन्होंने चाइनीज स्टडी में जेएनयू से गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये सब जांच के लिए सभी चीज आती है, सभी सीआरपी का। अच्छा, अभी जाना है ना नीचे की ओर, उनको कर नहीं रोक रहे, ऊपर जाएगा ना वापस रास्ते में। हाँ जी सर, जैसा जैसा वो जो भी इसलिए सब को सब नीचे जाएंगे सर, जांच के लिए सर। हाँ जांच के लिए हो जाएगा, कोई नहीं फिर बाद में सर वापस आ जाते हैं, हो सकते हैं सर, कोई नहीं। इससे पीछे वाला एक और पीछे ले लीजिए, इससे पीछे। हाँ जी, दस से इनके साथ सर। हाँ सर, इन दोनों सर के सर ये सर ये क्या है, ये एप्लीकेशन है जांच कर लीजिए। क्या विधि कार्रवाई होनी है इसमें? अपने पास जितने भी भूमि विवादों का हो ना, अलग अलग सब तैयारी को अपने यहाँ पर भी एक मेंटेन करके रखो। कौन कौन भूमि विवाद के यहाँ लोग आ रहे हैं, सब अगर हम कम से कम उनके पीछे पूछते रहेंगे। सौ बस नहीं 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 विल हैव टू रिजॉल्व दिस भूमि विवाद का। राज
राजघाट पुलिस ने नाजायज स्मैक के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को अघोर पीठ अमरूद चक्रा अव्वल से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान संतोष पुत्र रामदरस निवासी झड़वा थाना रामगढ़ताल, दूसरा मोनू पुत्र स्वर्गीय उत्तम निवासी अमरूद मंडी चक्रा अव्वल थाना राजघाट, तीसरा छोटू पुत्र राजेंद्र निवासी अमरूद मंडी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 20.5 ग्राम अवैध स्मैक व एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल गोरख सिंह, पवन यादव, देवेंद्र यादव, कुंदन कुमार शामिल रहे। जनपद में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सीसीटीवी की निगरानी में इंटरमीडिएट के कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हमारे केंद्र 355 पर इंटरमीडिएट की कॉपियां आवंटित है, जिसमें 25 विषयों की कॉपियां आई हुई हैं, जिसका मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ है। इस तरह कुल कॉपियों की संख्या 182,729 है और 588 परीक्षक हैं। उप प्रधान परीक्षक 67 हैं। उन्होंने कहा, सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मूल्यांकन कमरों में सीसीटीवी कैमरा व कमरों के बाहर दो कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि कॉपियों की निगरानी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, हाँ, हमारे केंद्र संख्या 355 महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पे इंटरमीडिएट की कापियाँ आवंटित हैं, जिसमें 25 विषयों की कापियाँ हमारे यहाँ आई हुई हैं, जिसका मूल्यांकन कार्य हमको कराना है। कुल कापियों की संख्या हमारे यहाँ 182,729 है। जितने परीक्षक जो नियुक्त हैं, तो परीक्षकों की संख्या हमारे यहाँ 588 और उप प्रधान परीक्षक उनकी संख्या 67 है। सर, कौन से विषय का सर आप आज किस विषय का सर बोल रहे हैं? नहीं, ये जो शुरू होगा तो सभी विषयों के जितने के डिप्टी हेड आ गए होंगे, उनको लिफाफे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अभी उनकी ब्रीफिंग होगी, उसके बाद से उनको बंडल आवंटित किए जाएंगे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। जिस विषय में डिप्टी हेड नहीं होंगे, उन्हीं का नहीं प्रारंभ होगा, बाकी का तो प्रारंभ करने। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी हमारे उप प्रधान परीक्षक हैं, तो उप प्रधान परीक्षक वाइज जो है कमरे हम लोग अलग से आवंटित कर दिए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है दो कांस्टेबल परमानेंट पहले से ही, जब से कापियाँ यहाँ पर आई हैं, लगे हुए हैं।
कमरों पे हमारे अपने स्टाफ गेट पे लगे हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 24 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ग्राम पंचायत पाली जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। देश के सभी ग्राम पंचायतों में वेबकास्टिंग की जाएगी व्यवस्था। जिले के सभी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सहित अन्य लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। नेक मांगने ही नहीं, अब नगर निगम के टैक्स वसूली के लिए घर घर जाएंगे किन्नर। नगर निगम व किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बनी सहमति। कहा, टैक्स वसूली से लगायत ऑफिस वर्क तक कई कार्यों की दी जाएगी थर्ड जेंडरों को जिम्मेदारी। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य ने जताया आभार। शाहपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए 10 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए कुल 4 मामले, सभी मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। अवैध असलहों की सप्लाई करने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक दुकान के आगे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर करवाया खाली। कुछ दुकानों से वसूला जुर्माना। कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। नवागत एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पदभार किया ग्रहण। कहा, कार्यालय आने वाले हर फरियादी के समस्याओं का निस्तारण करना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। अपराध व अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल। .5 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ राजघाट पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और सीसीटीवी की निगरानी में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य हुआ प्रारंभ। 182,729 कॉपियों का होगा मूल्यांकन। 588 परीक्षक व उप प्रधान परीक्षक किए गए हैं नियुक्त। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।